हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फारिस कादरी बोल रहा हूँ सर, एडवोकेट कवि अब्बासी साहब, आप ही हैं? जी हाँ, एडवोकेट कवि अब्बासी बोल रहे हैं। आप कौन बात कर रहे हैं? फारिस कादरी बात कर रहा हूँ, नागपुर महाराष्ट्र। जी, सवाल है फारिस कादरी साहब, पहले से आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साहब, मैं ये बोल रहा था सेक्रेटरीट की जो मस्जिद है, जी सेक्रेटरीट की मस्जिद जब शहीद करे उसके ऊपर में कोई FIR वगैरह भी वहाँ पर आपके लोकल PS में नहीं हुआ, कमिश्नर को भी काफी लोग दिए, वो लोग भी रिजेक्ट कर दिए जी, तो सर इसमें आप हाई कोर्ट के अंदर में मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें आप ये मुद्दे को हाई कोर्ट तक के लेकर जाए तो बेस्ट है। देखिए, हम लोग जो है सो हमारी पार्टी की तरफ से कंप्लेन करे थे पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं लिए, तो हमने जो है सो प्राइवेट कंप्लेन बनाकर जो है सो कोर्ट में डाला, तो मैजिस्ट्रेट ने बोला कि गवर्नर के पास से जो है सो लेटर लेके आना टू प्रोसिक्यूट CM KCR को, हमने जो है सो A1 बनाया था उस केस में, ठीक है। तो जब हमने गवर्नर को लेटर लिखा तो गवर्नर के सेक्रेटरी ने बात करके बोला कि हाँ अपॉइंटमेंट दूंगा मैं गवर्नर साहब से, फिर गवर्नर साहब भी अपॉइंटमेंट नहीं दिए, इसी तरीके से लिट्टी में डाल के रखे उसको। फिर हमने हाईकोर्ट में जो है सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया, वो नंबर नहीं हुआ उसका, वो वैसे ही पेंडिंग कर दिए वो लोग। तो ये जुडिशरी को भी मैनेज करके रखे हुए ये लोग, तो जिसकी वजह से बड़े लोगों को, बड़े ऑफिशियल्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए मुश्किल हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर जुडिशरी बिक चुकी है तेलंगाना में। अच्छा, मतलब कि सर हर चीज के अंदर में अभी यही चल रहा है कि अभी फिलहाल हर चीज के तरफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जुडिशरी को इंक्लाइन कर दे रहे हैं पॉलिटिकल तरफ जैसा। जी, तो इसके लिए हमने पूरी कोशिश किया, आखिर में प्रोटेस्ट करे हमने, जैसे KCR का पुतले जलाए हमने, जैसे जितने लोग इसमें मिले हुए थे, जितने भी इनके सपोर्टर्स थे, पूर्व के FEGs जलाए, फिर हमारे पे उल्टा केस बुक कर दिया गया, हमारी पार्टी के लोगों पे केस बुक कर दिया गया। सर दूसरा मैं ये बोल रहा था, मक्का मस्जिद के ऊपर में भी यही हुआ, वहाँ पे भी उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। जी हाँ, उनको भी नहीं मिला, इंक्वायरी कमीशन बैठी, बच्चों के लाइफ खराब हो गए, कॉलेज छूट गए, एजुकेशन छूट गया ना, ये चीज को भी। जी हाँ, अब गवर्नमेंट वायदा की थी कि हम जो है कंपनसेशन देंगे उनको, बोल के आज तक कोई कंपनसेशन नहीं मिला वो लोग को। अच्छा, तो सर ये चीज जो किसी हुकूमत है सिवाय छूटे वायदे के और कुछ नहीं कर सकती, और करते बहुत अफसोस की बात है। सर ये दो मुद्दों को आप हाईकोर्ट के अंदर में ले जा सकते हैं सर? जी, हमने तो ऑलरेडी डाला था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नंबर नहीं किया गया उसको, नंबर तक नहीं करे, आज तक नंबर नहीं हुआ उसका, हम रिप्रेजेंट कर करके थक चुके हैं आखिरी में। सर हम अब यही चीज को सुप्रीम कोर्ट बचाए फिर? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच होंगे, मस्जिद होगा इशू लेके, तो हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पे वो करने के लिए तैयार है। बल्कि मैं वही पूछा है कि इसको आप हाईकोर्ट तक के ले गए, बट आप बोल रहे हैं कि उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? वहाँ की पब्लिक, आपके तेलंगाना के लोगों का काम है इस चीज़ को समझना, और इस चीज़ के अंदर में आगे कुछ ना कुछ बेस्ट एंड बेस्ट तरीके से काम करा जाए, ताकि ये हिंदू मुसलमान की नफरतें देश से ख़त्म हो जाए, और इस तरीके के जो पब्लिसिटी स्टंट अपने वोट बैंक के लिए मुसलमानों को कभी बकरा बनाते, कभी हिंदुओं को, इस तरीके से सियासत करना बंद करे। सेक्रेट की मस्जिद, तो वहाँ पर में मंदिर भी तोड़ी गई थी, और मक्का मस्जिद का बमबलाश, इस सब चीज़ों के अंदर में इंसाफ लोगों को नहीं मिला, इसके अंदर में इंसाफ मिलना चाहिए, सेक्रेट की मस्जिद बनना चाहिए, ये मस्जिदों और मंदिरों के ऊपर में सियासत नहीं होना चाहिए, ये मेरा एक मिशन चल रहा है। बिल्कुल, सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसके लिए पब्लिक को स्ट्रीट्स को हिट करना पड़ेगा, रोड्स पे आना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा, एजिटेशन करना, भूख हड़ताल करना, हमसा लोगों को करना, ये सब प्रोग्राम सॉर्ट आउट करने के लिए हम रेडी, हमारी पार्टी रेडी है। हम पब्लिक से अपील करते हैं, आइए हमारे दफ्तर पर आइए, हमारा दारुल अवाम दफ्तर है मुगलपुरे पे, आइए इंशाल्लाह ताला हम अपनी सूली पर चलेंगे, मंदिर मस्जिद वहीं पर बनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं खुद ब खुद भी आने वाला हूँ सर, अभी सितंबर में, अगस्त में। कोविड लाई आप आई, यू आर वेलकम टू हैदराबाद, मेरे साथ यू विल बी आवर मेन गेस्ट इन हैदराबाद। बिल्कुल 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 सर, थैंक यू सर, यू वेलकम वेलकम एनी टाइम, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम।